पीछे देखो भाई, ये देख के तो भाई डर ही लग जा रहा था दिल में। भाई साहब को देखो भाई, यहाँ पे मछली पकड़ रहा है भाई बीच के ऊपर से। ओ भाई देखो क्या मस्त से बनाया भाई, ये आपका लकड़ी का बनाया गया है। ये आपका बैरिकेड किया हुआ है वाटर को, आपका अंदर जो मलाई होता है ना भाई, ये खाने में ज़्यादा टेस्ट होता है। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। आज डे संडे और हर बार की तरह आपका भाई फिर से निकल चुका है भाई एक नया प्लेस को टूर करने के लिए। सो गाइस ब्लॉग बना रहना क्योंकि ये आज के जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ना गाइस, आज आपका भाई जा रहा है भाई गजलडोबा, जो कि काफ़ी फेमस प्लेस है सिलीगुड़ी के अंदर पे। गाइस बहुत दिनों से आपका भाई जो तीस्ता रिवर बोल के थक गया था भाई, और फाइनली गाइस आज आपका भाई जो तीस्ता रिवर का जो मेन ओरिजिनल तीस्ता ब्रिज है ना गाइस, फाइनली उसी प्लेस पे पहुंच चुका है। तो फिलहाल अभी मैं उसी प्लेस के बगल पे खड़ा हूँ। ये आपका वेलकम टू तीस्ता ब्रिज, और यहाँ से आपका शुरू होता है तीस्ता ब्रिज, जो कि सिलीगुड़ी के अंदर पे सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है इसको, तीस्ता रिवर। तो गाइस ब्लॉग बने रहना, ये अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सही से। गाइस अगर अच्छा लगा तो भाई ब्लॉग को लाइक करना। तो ना गाइस फाइनली आपका भाई आ चुका है भाई तीस्ता ब्रिज, जो कि भाई काफी दिनों से मैं देखने का सोच था भाई ये कि तीस्ता ब्रिज कहाँ पे है कहाँ पे, और गाइस आज फाइनली आपका भाई तीस्ता ब्रिज देखने के लिए आ गया। तो गाइस ब्लॉग अगर अच्छा लगता है ब्लॉग को लाइक करना। ये हम मेन ओरिजिनल तीस्ता रिवर भाई, देखो भाई, देखो भाई सीन, देखो भाई, भाई ये रिवर देखो भाई क्या खतरनाक लग रहा है भाई देखने में, और आगे देखो भाई पहाड़, भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। और इसका वाटर देखो भाई किस तरह से आ रहा है, वहाँ से ऐसे होकर आ रहा है, यहाँ पर राउंड होकर इस तरह से आ रहा है, तो सोच सकते हैं। और आपका इस साइड का नज़ारा देखो भाई साहब, बहुत ही अलग लेवल का सीन है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस देख के। देखो भाई और बादल देखो पूरा अंधेरा कर रखा है भाई। देखो भाई हम लोग आए थे इस साइड से, और देखो मौसम देखो पूरा अंधेरा कर रखा है भाई, और भाई साहब देख के तो भाई डर ही लग रहा है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। देखो भाई पानी, देखो भाई साहब, और देखो भाई साहब लोग वहाँ पे मस्त मछली पकड़ रहे हैं भाई। तो गाइस फाइनली आपका भाई तीस्ता ब्रिज दिखाया, आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं वीडियो को, और अगर रिजॉर्ट भी बनाया है तो सारा कुछ आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल अभी जाएंगे हम लोग उस साइड पे, मीन्स आगे के साइड पे, सिलीगुड़ी के सबसे बड़ा ब्रिज तीस्ता ब्रिज, जो कि भी इसका जो नदी है ना गाइस हर जगह पे मिलेगा आपको सिलीगुड़ी के अंदर पे। भाई लोग इतना बीच के ऊपर से मछली पकड़ रहा है भाई, आप बिलीव नहीं करोगे भाई। और वाटर का भाई आपको वाटर दिखाता हो भाई, और भाई साहब को देखो भाई यहाँ पे मछली पकड़ रहा है भाई बीच के ऊपर से। ओ भाई देखो भाई साहब पानी का स्पीड देखो भाई साहब, इस प्लेस को इस बीच को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं सिलीगुड़ी से, और काफी अच्छा प्लेस है गाइस। तो आप लोग चाहो तो एक बार विजिट कर सकते हो इस प्लेस को। यहाँ का जो नज़ारा देखो भाई बहुत भयंकर नज़ारा भाई, और आगे देखो भाई, और यहाँ का सीन देखो भाई क्या खतरनाक सीन भाई। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तेज से बारिश शुरू हो चुका है भाई, तो फिलहाल भाई यहाँ से निकलना पड़ा जल्दी से, अदरवाइज भाई टोटली भीग जाएंगे भाई साहब, बहुत तेज से बारिश हो चुका है भाई। गाइस फाइनली आपका भाई अभी फिलहाल बैठे हैं भाई एक छोटा सा होटल पे, और बाहर पे देखो भाई बहुत तेज बारिश दे रहा है, तो जैसे बारिश रुकेंगे तो सही से भाई एक्सप्लोर करेंगे भाई तीस्ता ब्रिज को। फिलहाल आपका भाई बाइक को भाई पार्किंग कर दिया है भाई, क्योंकि भाई बाइक लेके घूमेंगे तो भाई आप लोग सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते आपका भाई फिलहाल बाय वॉक ही भाई एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आपका भाई डाब लेंगे भाई, ये ठंड का मौसम में डाब खाने का मजा ही पूछो। और भाई देखो डाब भी कैटेगरी में रखा हुआ है, ये आपका 70, 60 एंड 50, ये 50 ना भैया, तो भाई फिलहाल तो 50 वाला दे दो भाई, मौसम भी खराब किया हुआ है, ज्यादा भी नहीं पी सकते। खूब तेज बारिश शुरू हो चुका है, और आपका भाई ये ले लिया आपका भोरे आलू, भोरे आलू, भोरे आलू के प्लेस का नाम है गजलडोबा भोरे आलू। और भाई यहाँ का भाई देखो सीन चेक करो भाई, आपका भाई घूमने आया है, देखो बारिश तो इतना खतरनाक शुरू हो चुका है भाई। तो ना गाइस इस टाइप पे आपका रिजोर्ट है ना भैया, यहाँ रिजोर्ट भी है, और आपका ना यहाँ पे बोटिंग भी होता है,
तो फिलहाल तो बारिश दे रहा है, अदरवाइज आपका भाई बोटिंग भी करता है, क्योंकि आपका भाई को बोटिंग करना बहुत ही शौक है। तो फिलहाल क्या ही करें भाई, ये मौसम देखो भाई और बारिश भाई, ये सब गड़बड़ कर दिया भाई। कितना खत्म होता होगा? 50-60। बाप रे बाप, भैया का जो इनकम है भाई हम लोग को ज्यादा है भाई, देख लो भाई 50-60 भाई एक दिन में सेल कर लेता है। अच्छा ठंड के दिन में ना, हमें भी ये भाई लेके बैठना पड़ेगा भाई। तो मैं आप लोग को एक ही सलाह देता हूँ भाई, संडे को आइए घूमने के लिए, बट वेदर चेक करके आइएगा, ठीक है ना? वैसे वेदर में आएंगे तो भाई आप लोग का नुकसान हो जाएगा भाई, भारी नुकसान हो जाएगा। एक डब के अंदर जो मलाई होता है ना भाई, ये खाने में ज़रा टेस्ट होता है भाई, तो इसको भाई अभी मस्त खाएंगे। और भाई देख सकते हैं बारिश भी रुक चुका है भाई, तो कितना गुड लक है ना आपका भाई। तो फिलहाल अभी जाएंगे भाई बोटिंग एरिया पे, देखेंगे भाई बोटिंग का कॉस्ट कैसा होता है। तो ना गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बोट्स रखे हुए हैं, चाहो तो आप आके यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, काफी मस्त प्लेस है देख सकते हैं। आपका तीस्ता ब्रिज है, ये तीस्ता ब्रिज ओपन हुआ था 1 फरवरी 2021 को, और इसका भाई लंबाई बताए तो भाई 3.8 किलोमीटर, तो सोच के देख सकते हैं भाई 3.8 किलोमीटर ये लंबाई है, और ये जो ओपन हुआ था आपका 1 फरवरी 2021 को, तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है ओपन होना, आपका 2-3 साल हो ही रहा है बस। तो भाई ये पूरा न्यूली ओपन हुआ है देखो। और ना गाइस इसका एक्चुअल में जो निर्माण हुआ था 1941 पे, कोरोनेशन ब्रिज जो आप तो सुने होंगे नाम, कोरोनेशन ब्रिज, वहीं से शुरू हुआ था तीस्ता ब्रिज की जो कहानी बोल सकते हैं इसका, तो वहीं से शुरू हुआ था तीस्ता ब्रिज की ओपनिंग। और फिलहाल जो यहाँ पे गजलडोबा में जो ओपनिंग हुआ था 1 फरवरी 2021 को, और फिर देखो भाई पानी का फ्लो देखो भाई, पीछे देखो भाई, ये देख के तो भाई डर ही लग जा रहा था दिल में। देखो स्विच का सिस्टम देखो, ये आपका बैरिकेड किया हुआ है वाटर को, ये अगर उठा देंगे ना भाई, ये पानी देखो भाई, अब सोच के भी नहीं पाएगा भाई, ये पानी का जो लहर ना मिस, ये पूरा जो गांव है ना भाई, ये पूरा डूब जाएगा भाई। ये घूमता बारा कैसे जीता चला जा रहा, बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना आ रहा, पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर, खो जाऊंगा लेके मुझसे बात करा, पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर, मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, के तू मेरी आंखों में है पूरी जच्ची। देख सकते हैं पीछे का नजारा क्या खूबसूरत सा नजारा, और साइड पे देख सकते हैं ये जो ब्रिज क्या मस्त ब्रिज बन रहा है, ये जो टोटली कंप्लीट हो जाएगा ना, जो इसमें लाइट वगैरह कलर वगैरह लग जाएगा उसके बाद भाई ये देखने का लायक हो। और ये आपका पार्क है भाई, तो फिलहाल पार्क में तो जंगल हो चुका है भाई, क्योंकि भाई बारिश के मौसम है तो पूरा पार्क खाली है। क्या मस्त भाई घर बनाया गया है यहाँ पे देखो भाई, ये है आपका रिजॉर्ट जो कि तीस्ता रिवर ब्रिज के नज़दीक पे है, मिस तीस्ता ब्रिज के बगल पे है ये आपका रिजॉर्ट। तो आप लोग अगर कभी भी आएंगे भाई तीस्ता ब्रिज देखने के लिए, अगर आप लोग को रुकने का दिल करेंगे तो भाई, तो आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। देख सकते हैं क्या मस्त से बनाया भाई, ये आपका लकड़ी का बनाया गया है और कलरफुल देखो भाई क्या मस्त कलर किया गया। और ये देखो ये इको पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क देखो भाई, मस्त है भाई रहने के लिए। और भाई आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा, खाना से लेके मिस सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना? और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारा घर बना के रखा है भाई, घर का डिज़ाइन देखो भाई अलग ही लेवल का है। तो भाई आप लोग अगर कभी भी तीस्ता ब्रिज आते हैं देखने के लिए, अगर आप लोग लेट होते हैं तो भाई आप लोग यहाँ पे रह के तीस्ता ब्रिज को एक्सप्लोर कर सकते हैं सही से। और ये आपका बोटिंग एरिया देख सकते हैं, लोग यहाँ पे मछली वछली पकड़ रहे हैं, और वो आपका तीस्ता रिवर। और आपका भाई ले लिया ये 7 अप, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी दे रहा है अभी, तो फिलहाल तो पहले बारिश था यहाँ पे, और देख सकते हैं पूरा मौसम जो ऑलमोस्ट चेंज कर चुका है। और दीदी यहाँ पे मस्त भाई पकौड़ा वकौड़ा बना रहे हैं भाई मस्त, तो फिलहाल तो अभी खाएंगे नहीं, ठीक है ना, सीधा जाएंगे घर पे खाना खाएंगे।